अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, हाउ टू डू की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस नए ट्यूटोरियल में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि ब्लॉगर ब्लॉग के अंदर या वेबसाइट के अंदर हम अपने साइट नक्शा जो है वो किस तरह बनाते हैं। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू क्रिएट साइट मैप पेज इन ब्लॉगर। ठीक है, तो इस पर डिस्कस करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल हाउ टू डू का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लें, और सब्सक्राइब करते वक्त साथ में अपीयर होने वाले बेल सिनेमा बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक ज़रूर पहुंचे और आप उसे देख के उससे मुस्तफ़ेद हो सकें। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको साइट नक्शा के बारे में, साइट मैप के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको समझने में, और मुझे आपको प्रैक्टिकल करके समझाने में बहुत मतलब जो है आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो साइट मैप जो है ये दरअसल एक सैर फ़रिस्त है। जैसा कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो वेबसाइट है या ब्लॉग है जो आपने बनाया हुआ है, आप चाहते हैं कि उसके अंदर आपकी जितने भी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर जो पोस्टें आपने बिलतरतीब वक्तन फ़क्तन डिफरेंट डेट्स और टाइम के हिसाब से आपने अपलोड किए हुए, तो आप चाहते हैं कि वो तमाम पोस्टें मुझे एक ही पेज के ऊपर बिलतरतीब टाइम और डेट के हिसाब से मतलब जो है वो शो हों। ठीक है, और मैं एक ही पेज के ऊपर अपनी तमाम पोस्टें जो है वो फ़रिस्त के अंदर देख सकूं और उसे वहीं से ही मैं जो है क्लिक करके उस पोस्ट को ओपन करके पढ़ और रीड भी कर सकूं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आप दोस्तों को एक स्क्रिप्ट दूंगा, कोडिंग दूंगा, तो वो आप अपने ब्लॉग के अंदर ऐड करेंगे, पेज के अंदर ऐड करेंगे, तो आपका जो है वो साइट में तैयार हो जाएगा। उसके ऊपर आप मुख्तलिफ चेंजिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से जो अगर आप करना चाहें तो, वैसे तो वो कंप्लीट बना हुआ है। ठीक है, तो जी दोस्तों, ये मेरे पास कोड पड़े हैं कोडिंग। ठीक है, आपने ये यहाँ से कॉपी कर लेनी है सारी की सारी कोडिंग। ये ऊपर यहाँ तक जो है ये CSS लैंग्वेज है, और यहाँ से नीचे जो है ये जावास्क्रिप्टिंग की है। ठीक है, सॉरी जावास्क्रिप्ट, हाँ, इस सारी को जो है आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। याद रहे जो मैंने हाईलाइट की हुई है जगह, इस जगह पर आपने अपने ब्लॉग या अपनी वेबसाइट का जो लिंक है, यूज़र नेम या डोमेन नेम जो होता है वो आपने अपना यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, इस सारे को मैंने कॉपी किया, अगेन कर लेता हूँ यहाँ तक। मैं ये कोडिंग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से इसका लिंक जो है ओपन करके देख सकते हैं। तो उसके बाद आपने जाना है पेजेस के अंदर, पेजेस के अंदर आपने एक न्यू पेज जो है वो क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद मेरा जो ब्लॉग है ये उर्दू के अंदर है, तो मैं यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे वो कोडिंग जो है आपने HTML स्पेस के अंदर हो जो है आपने आके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ से मैं प्रीव्यू देखता हूँ इसका, ये देखिए प्रीव्यू में अब मेरे पास जो है ये कैटेगरीज सेक्शन जो मैंने बनाए हुए थे ऊपर मेन मेन्यू के अंदर, वो खबरें, इस्लाम, तालीम, खेल, मेडिकल, वीडियोज़, टेक्नोलॉजी, इश्तियारात, इस तरह के हवाले इस तरह के थे। तो ये देखिए ऊपर इस्लाम, इश्तियारात, तालीम, ख़बरें, मेडिकल, खेल, और ये मतलब इस तरह आ रहे हैं, और इनके अंदर हर एक कैटेगरीज के अंदर जितनी जितनी पोस्टें अपलोड की गई हैं वो नंबर शुमार के साथ यहाँ पे हमारे पास शो हो रही हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि ख़बरों के अंदर ये चार खबरें जो है वो अपलोड हुई हैं, और नई जो हैं वो दो हैं। उसके अंदर मैं किसी एक को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। बहरहाल ये अभी मैंने पब्लिश नहीं किया, पब्लिश करने के बाद ये ओपन होगा व्यू। ठीक है, तो ये देखिए मैं इस खबर को जो है वो पढ़ना चाह रहा हूँ, इसको जब मैं ओपन करूँगा, क्लिक करूँगा, तो ये मेरे पास डायरेक्टली तौर पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपनी साइट ब्लॉग या वेबसाइट के अंदर जो है साइट नक्शा या साइट मैप जो है वो ऐड करने का तरीका। तो मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस, खुदा हाफिज़।